अरे वाह, मम्मी ने क्या बना दिया, बहुत बड़ा घर बन गया। अब गेट लगा दो इसका, रेल बना दी ना तो रेल। मैं ये खाना बना रही है, ठीक है ये जंजीर है। मैं रोटी पक रही है, इससे सब्जी कहीं की बनाई, सब्जी मैं बनाऊंगी, लड्डू। लड्डू हाँ, सब्जी नहीं बनाने आती मेरे पे। लड्डू बहुत आवे तेरे पे बनाने। हाँ नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज दिन है शनिवार, सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के पराठे। और आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही हो गई है क्योंकि कई दिनों से मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। आज जो है मैंने सुबह से ही शुरुआत कर दी है, मैंने कहा आज तो ब्लॉग बना ही लेते हैं। और आज बारिश हो रही है बहुत तेज, आंधी तूफान के साथ बहुत तेज तूफान है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तो धूप निकल गई है, सुबह इतनी तेज बारिश हुई और आंधी तूफान के साथ देखिए पेड़ भी टूट गया है। ये देखिए पेड़ टूट गया है और पूरी बालकनी में मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, अभी साफ की है। ये बची है थोड़ा सा, इसको भी साफ कर देती हूँ। वैसे पूरी बालकनी साफ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा तूफान आया सुबह और बारिश भी बहुत तेज थी और अभी निकल चुकी है धूप। तो बारिश होने के बाद क्लीनिंग का तो काम थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही है, बालकनी में, घर में, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है। क्लीनिंग का काम तो चलो खैर कोई बात नहीं है, तो डेली का ही करना होता है, वैसे भी करना होता है। और आजकल बच्चे घर पे रहते हैं तो आजकल क्लीनिंग का काम तो ज़्यादा वैसे भी हो ही रहा है। और ये देखिए मैं सुबह से 3 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ और ये देखिए अभी भी सोफों के नीचे कितना कूड़ा पड़ा है क्योंकि रात में लीची लेकर आए थे तो रात में खाई थी, सुबह फिर मैंने उठते ही झाड़ू लगाई, फिर थोड़ी देर बाद फिर लगाई क्योंकि बारिश हुई थी, तूफान में ऐसा ही हो गया था। और फिर सुबह उठते ही फिर ये लग गए थे जो बची हुई लीची थी उसमें। और फिर उसके बाद मुझे लगाना था पोछा, तो उससे पहले भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। और फिर बच्चे कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, मैंगो खाए तो फिर कूड़ा फैला दिया, और कितना भी इनको बर्तन कुछ भी दे लो कि कूड़ा इसमें रखना है, लेकिन बस छोटे बच्चे हैं थोड़ा बहुत इधर उधर गिराई देते हैं। तो बस कई बार झाड़ू लगाने के बाद मैंने जो है पोछा लगा दिया है। अब बच्चे घर पे रहते हैं थोड़ा बहुत तो घर मैसी रहेगा ही, बिल्कुल साफ तो नहीं रहेगा, जैसे स्कूल जाते थे तब 2-4 घंटे साफ रहता था। तो बस कई बार तो ऐसा होता है कि क्लीनिंग करके आती हूँ तुरंत बाद मुझे कुछ ना कुछ गिरा मिलता है, तो छोटे बच्चों में तो बस ये सब चलता ही रहता है। और ये देखिए एक बर्तनों का काम, एक बर्तन भी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते, कितनी बार किचन में आओ 1-2 बर्तन पड़े ही मिलेंगे सिंक में। तो यहाँ पर वैसे तो मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछे का, क्लीनिंग का। और आज क्लीनिंग का काम बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि आज बारिश हुई थी सुबह तो मिट्टी मिट्टी हो रही थी बालकनी में, किचन वगैरह। अब बाहर का हो गया, मतलब दोनों बालकनी धो दी है मैंने और अंदर पोछा लगा दिया है, बचता है बस मेरा किचन का। और किचन का मैंने इसलिए छोड़ दिया था, वैसे तो मैं पोछा ही लगाती हूँ डेली क्योंकि आज मुझे किचन को धोना है, तो पहले ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। स्लैब वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी जब मैंने पराठे बनाए थे उसके बाद, तो बस अब बर्तन साफ़ करने के बाद मैं जो है किचन को अच्छे से धो दूँगी। वैसे तो मैं पोछा लगाती हूँ लेकिन कभी कभार जैसे ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, तूफान वगैरह आ जाता है तो उसके बाद मैं धो ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ हो गए हैं मेरे, इसके बाद जो है सिंक साफ़ कर देती हूँ और जो आसपास की टाइलें है, दीवार वगैरह है, ये नल वगैरह, और ऊपर से जो ये आर वगैरह को साफ़ कर दूँगी, और जो खिड़की है ये भी क्योंकि इस पर भी छींटे वगैरह लग जाते हैं और धूल मिट्टी से आजकल डस्टिंग लगा लो या क्लीनिंग लगा लो ये करना ही होता है डेली का ये तो, बल्कि जितनी बार मैं बर्तन साफ़ करती हूँ जहाँ से मुझे गंदा दिखाई देता है मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए ये हैंड वॉश रखा है, आज मैं हैंड वॉश से साफ़ कर रही हूँ, इसको मैं कोलिन से कम ही करती हूँ बस, ज़्यादातर मैं या तो धो देती हूँ ऐसे हैंड वॉश से ही, और कभी कभी कागज़ से जो है साफ़ कर देती हूँ क्योंकि कागज़ से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है क्योंकि गिलास का है ना। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, बस बचता है किचन को धोने का।
ये लास्ट का रह गया था, इसके बाद जो है मैं नहा लूँगी। और ये देखिए टाइल वगैरह होता है यहाँ पर भी, बच्चों के गंदे हाथ या कुछ भी छींटे वगैरह लग जाते हैं तो यहाँ से गंदा हो जाता है, तो मैं कभी कभार धो देती हूँ। वैसे नॉर्मली पोचा लगता है, और जब डस्टिंग करती हूँ तब ऐसे कपड़ा भी मार देती हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है सुबह ही मतलब खाना बनाना मेरा मुश्किल हो गया। मैं जल्दी जल्दी में खाना बनाया, मैंने कहा जल्दी, क्योंकि क्लीनिंग का काम घर में मतलब इतना बुरा दिन सा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले क्लीनिंग का काम कर लूँ, क्योंकि घर गंदा रहता है तो उसमें अच्छा नहीं लगता है। मुझे आज ऐसा हो रहा था कि बस पहले खाना बाद में बनाऊँ, पर ये इनका ड्यूटी का था, ड्यूटी जाना था इनको, इसलिए मुझे खाना भी बनाना ज़रूरी था। तो पहले मैंने खाना बनाया फटाफट से, उसके तुरंत बाद में क्लीनिंग में लग गई, दोनों बालकनी धोई, झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग की, और अभी बस किचन को धो देती। और कितना भी काम कर लो, जब तक घर की क्लीनिंग ना हो, अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं हो जाए, तब तक बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस अब मेरा सारा क्लीनिंग का काम हो गया है, झाड़ू पोछा और किचन धोने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नहीं तो सुबह के टाइम बहुत ही मतलब मूड सा ख़राब हो जाता है अगर घर गंदा रहता है तो, और सुबह छिलके वगैरह बहुत ही ज़्यादा पड़े थे, दूसरा आंधी तूफान की वजह से पूरी बालकनी में मिट्टी मिट्टी हो रही थी, और डस्टिंग का काम भी बहुत ज़्यादा था आज। तो बस ये है, फाइनली मेरा सारा क्लीनिंग का काम हो गया है, बस अब रहता है नहाने का। तो पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो गया है 12:30 बज गए हैं, और आज सुबह से अब जाकर काम ख़त्म हुआ है, क्योंकि आज क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा था। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी और पूरी बालकनी में मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, मैंने दिखाया भी था आपको, और इतना तेज़ तूफान था, नीचे सब पेड़ पौधे जो है टूट के नीचे गिर गए हैं और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी। तो आज मैंने सारा धो दिया है अंदर कमरों में, और यहाँ अंदर तो पोचा लगाया है, बाकी किचन और दोनों बालकनी मैंने धो दी है, और कपड़े धोऊंगी शाम को, और कल हम जा रहे हैं गांव में। तो ये क्लीनिंग का काम थोड़ा सा इसलिए भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि फिर वही है हफ्ता 10-15 दिन वहाँ लगेंगे, तो जितना भी हो सकता है मैं आज कर लूँगी सारा क्लीनिंग का काम। बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, सोफ़े के कवर मैंने धो दिए हैं, कल परसों कपड़े धोए थे तब धो दिए थे, बस आज बेडशीट चेंज करूँगी, और बाकी सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। सुबह खाना पीना हो गया था, आलू के पराठे बनाए थे, और अब देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। तो बस इस वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं गांव के ब्लॉग बना पाऊँगी या नहीं, जितना हो सकेगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।